लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। पीसीसी कार्यालय में पीसीसी चीफ सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके माध्यम से राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने और इस्तीफा वापस लेने का समर्थन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकारिणी के समक्ष केंद्रीय कार्य समिति की ओर से पारित प्रस्ताव को रखा, जिसको पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरी कार्यकारिणी ने समर्थन कर पारित किया। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और सहयोग के साथ नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसके लिए उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना बहुत आवश्यक है। पांडे ने कहा कि केंद्रीय कार्य समिति के पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। साथ ही पांडे ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी इस हार को स्वीकार करती है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे पूरे प्रदेश में जनता के बीच जाएं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। जो कि केंद्रीय कार्य समिति दिल्ली में 25 तारीख को इस समिति में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका अनुमोदन करते हुए उसके समर्थन में राज्य के सभी वरिष्ठ नेतागणों, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और सभी कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव यहाँ पास किया है, जो मैं पढ़कर बतलाऊंगा। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को संबोधित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव को हमने उसका अनुमोदन किया है और राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना नेतृत्व हमारी पार्टी को देते रहें और हर स्तर पर जो भी उनको परिवर्तन करना है आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन में वो चेंजेस कर सकते हैं, ये स्वीकृति वर्किंग कमेटी ने दी थी और हमने भी आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनसे आग्रह किया है कि अपना नेतृत्व